दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की। जैसा कि आपको पता है 60 नोटिफिकेशन हमारे आ चुके हैं और बहुत जल्द इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जेई की तरह तो नहीं है, हालांकि जेई में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। जो लोग डिप्लोमा या बीटेक होंगे जिन्होंने आरआरबी जेई का फॉर्म भरा होगा उनके लिए तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें थी कि भाई क्या पहले रखें क्या बाद में रखें। हालांकि चीज़ें अगर आप कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पर उतना हेक्टिक चीज़ें नहीं रहने वाली हैं कि कौन सा प्रेफरेंस देना है। फिर भी कुछ चीज़ें जो आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले जानना जरूरी है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको कौन सी देनी है। यहाँ पर देखिए पोस्ट प्रेफरेंस ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से आपको बताने वाला हूँ कि भाई पहले पे तुम गुड्स गार्ड डाल दो, गुड्स ट्रेन मैनेजर डाल दो, या फिर स्टेशन मास्टर भर दो, या CCTS भर दो। ये सारा कुछ हम लोग एनालाइज करेंगे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कंप्लीट में आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। तो 5 से 10 मिनट का वीडियो रहने वाला है, कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, देन इसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस आधार पर हम लोग इस पोस्ट प्रेफरेंस को करेंगे कि बॉयज़ के लिए कौन सी पोस्ट सुटेबल है। गर्ल्स जैसे कि अगर आप तैयारी करना चाहती हैं, ठीक है, तो वर्किंग एनवायरनमेंट कहाँ उनके लिए ज़्यादा सही है, वर्कलोड बहुत कम है उनके लिए, तो गर्ल्स के हिसाब से बात करेंगे। ग्रेड पे यानी कि पैसे के हिसाब से भी हम लोग बात करेंगे कि कौन सी पोस्ट आपको ऊपर रखनी चाहिए। वर्कलोड अगर आपको कम चाहिए ज़्यादा चाहिए उस हिसाब से कि आपको कौन सी प्रेफरेंस देनी चाहिए उसके आधार पर बात करेंगे। और सैलरी मतलब ग्रेड पे सैलरी वही है बेसिक पे, क्योंकि बेसिक पे जितना ज़्यादा होगा वही आपकी उसके बाद फिर नेट पे आपका आएगा। बेसिक पे के बाद आप जानते हो बेसिक पे जितना ज़्यादा फिर DA उतना ज़्यादा, और उस हिसाब से बाकी चीज़ें भी यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। बात करते हैं पोस्ट कौन कौन सी है। तो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है आपके पास यहाँ पर, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। और देन उसके बाद आपके पास पोस्ट है अंडर ग्रेजुएट की। ग्रेजुएट पोस्ट की बात करें तो 8113 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है और अंडर ग्रेजुएट में 3445 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर जो हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस डिस्कस करने वाले हैं वो किसका डिस्कस करने वाले हैं भाई, वो ग्रेजुएशन लेवल का, जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है उसका पोस्ट प्रेफरेंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई जो नॉन अंडर ग्रेजुएट होंगे वो इस वीडियो को आगे ना देखेंगे, ग्रेजुएट वाले इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और इन 8113 वैकेंसी में जो है फॉर्म भरने वाले, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि पोस्ट कौन कौन सी है। पहले तो आपको पोस्ट ही जाना जरूरी है। तो देखिए अगर बात करें पोस्ट, देखिए यहाँ पर दो तरह की पोस्ट हैं, ठीक है, एक है आपकी लेवल 5 की, एक आपकी लेवल 5 की पोस्ट है और दूसरी पोस्ट है आपकी लेवल 6 की, ठीक है। दूसरी है आपकी किसकी, लेवल 6 की। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लेवल 6 की, तो लेवल 6 में भाई कौन कौन सी पोस्ट है। लेवल 6 में भाई पहली पोस्ट तो कौन सी है, पहली पोस्ट तो है स्टेशन मास्टर की, क्योंकि काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है, पावरफुल जॉब लोग इसको मानते हैं। अच्छी तो नहीं है, अभी आपको मैं बताऊंगा क्यों, लेकिन पावरफुल जॉब एक होती है, ठीक है। दूसरी इस बार जो पोस्ट है ये नई इंट्रोड्यूस हुई है, ये पोस्ट पहले नहीं आती थी, ठीक है। CCTS शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो, अगर इसका फुल फॉर्म देखोगे तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर इसका है, जो कि रेलवे ने इस बार इस पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया है। पहले ये पोस्ट नहीं आता था, इसी बार रेलवे ने इस पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हो सकता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट से ये भरी जाती रही हो, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ये पोस्ट पहली बार रेलवे ने निकाली है, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल 5 की, तो लेवल 5 में 3 पोस्ट हैं। पहली पोस्ट है आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर, दूसरी है आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और तीसरी है आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये लेवल 5 की पोस्ट है, ये लेवल 6 की पोस्ट है। जिन लोगों को लेवल 5 6 नहीं समझ में आ रहा है, लेवल 6 का ग्रेड पे 4200 होता है और इसका बेसिक पे 35400 होता है। और बेसिक पे अगर 35400 है तो अभी DA आपका 54% होने वाला है, हाफ ही मानो आप, तो 50% इसका आप DA लगाओगे तो 50,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर जाती है, और भी जाती है, ये सिर्फ मैं बेसिक पे और DA कर रहा हूँ। और बेसिक पे इसका कितना होता है, 29,200 का आधा करके इसमें जोड़ लो तो वो DA हो गया, उस हिसाब से आपकी सैलरी बनती है। तो लेवल फाइव का जो ग्रेड पे होता है वो 2800 होता है, बेसिक पे इसका 29,200, ग्रेड पे 4200, इसका बेसिक पे 35,400। ये चीज़ आपकी लेवल 5 और लेवल 6 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भाई कि थोड़ा सा इन पोस्ट के बारे में जानते हैं, क्या इनकी खूबियाँ हैं, क्या इनसे हमको थोड़े नुकसान हो सकते हैं, या क्या हमारे जीवन में आगे चल के कठिनाइयाँ आ सकती हैं, या क्या लाभ मिल सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली पोस्ट है दोस्त स्टेशन मास्टर में। एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें मेडिकल तगड़ा चाहिए होता है, A2 मेडिकल यहाँ पे चाहिए होता है,
ठीक है, अब बात करते हैं स्टेशन मास्टर, तो वन ऑफ द टफेस्ट जॉब इन एनटीपीसी है, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे क्यों। मोर साइक्रेटरी प्रेशर, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपको लोड, सोचो आपको पूरा एक स्टेशन मैनेज करना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, नॉट सुटेबल फॉर वुमेन, ये गर्ल्स के लिए जॉब अच्छी नहीं, ये हो सकता है मेरा आइडिया हो, आप तो कहोगे भैया कमेंट में जाके महिला सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन आपके यहाँ कोई होगा अगर रेलवे में स्टेशन मास्टर तो उससे जाके आप पूछना, गर्ल्स के लिए सुटेबल, बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली जॉब है ये। दूसरी चीज़, रोटेटिंग शिफ्ट में जॉब चलती है, कभी दिन में ड्यूटी लगा देगा, कभी रात में लगा देगा, नो वीकेंड एंड गैजेट हॉलीडे, कोई यहाँ पर हॉलीडे नहीं होता, कोई ऐसा हॉलीडे अलग से आप मतलब त्यौहार का ऐसा नहीं मिलेगा भाई, अक्टूबर जैसे मान लो होली है दीपावली है तो ट्रेनों में तो और भीड़ बढ़ जाती है, तो छुट्टी आपको कहाँ से देंगे। रेलवे आपको पता है कि 24 घंटे पूरे साल काम करता है, तो इसमें छुट्टी वगैरह के चांसेस आपको नहीं रहते हैं, इसमें प्रमोशन बहुत कम रहता है, मतलब आप स्टेशन मास्टर से प्रमोट होगे SS पे जाओगे, सीनियर सुपरिटेंडेंट शायद इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर आप चले जाओगे, कोई ऐसा काम नहीं। स्टेशन मास्टर में वर्किंग ज़्यादा होता है, इसमें क्या होता है कागजी ज़्यादा हो जाता है, तो प्रमोशन इसमें लेस है, और हेल्थ इश्यूज इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, रोटेटिंग शिफ्ट है, प्रेशर इतना ज़्यादा है, ठीक है, आपको नींद सही से नहीं मिल रही है, और बाकी समस्याएं इसमें आती हैं, मतलब इसमें जॉब्स ऐसा नहीं कोई जॉब खराब होता, मैं आपको कुछ इसके कमियां या अच्छाइयां बताने का प्रयास करूँ ताकि आप समझो चीज़ों को और आप खुद एनालाइज करो। मैंने कह रहा हूँ भाई इसको पहले पे मत डालो, आप इसको दूसरे पे डालो, ये मैं इसके जो चीज़ें हैं अच्छी और ख़राब चीज़ें ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इसमें आपका क्या है, ये लेस वर्क प्रेशर है, अगर गर्ल्स प्रीफर करना चाहें तो इस जॉब को प्रेफरेंस दे सकती है, इसमें क्या है कि प्रमोशन वगैरह भी जल्दी हो जाता है, बेस्ट जॉब है ये इफ़ मनी इज नॉट ए फैक्टर, क्योंकि ये लेवल 5 की जॉब है, स्टेशन मास्टर लेवल 6 या CCTS लेवल 6 की है, तो अगर आपके लिए मनी फैक्टर नहीं है कि हमको मतलब ठीक है आराम की ज़िंदगी चाहिए, मनी हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप इसको कर सकते हो। 10 to 5 जॉब है, 10 बजे आप गए 5 बजे चले आए, सैटरडे संडे इसमें आपको ऑफ मिल जाएगा, और इसमें प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन तेज़ी से होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की, ठीक है। अगली बात करते हैं तो सीनियर क्लर्क की है, इसमें भी सिमिलर जॉब है जूनियर अकाउंटेंट की तरह, लेस वर्क प्रेशर है, बेस्ट जॉब है अगर आपके लिए मनी फैक्टर नहीं, अगर पैसा ही सब कुछ है, पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तुमरती है, अगर पैसा ही सब कुछ है तो आप मतलब अपना प्रेफरेंस लेवल 6 वाला डाल सकते हो। अगर आपके लिए लेस वर्क प्रेशर चाहिए, बेस्ट जॉब चाहिए, छुट्टी वगैरह चाहिए, हॉलीडेज चाहिए, 10 to 5 की जॉब चाहिए, प्रमोशन फास्ट चाहिए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ये आरामदायक नौकरी है। अगली बात करते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर की, तो ये भी क्या है भाई, ये भी एक टफेस्ट जॉब है, टफेस्ट जॉब, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है, हाईएस्ट सैलरी पोस्ट। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है भाई, ये हाईएस्ट सैलरी पोस्ट क्यों है, यानी कि इतनी ज़्यादा सैलरी, क्या स्टेशन मास्टर से भी ज़्यादा सैलरी है, जी बिल्कुल, ये हाईएस्ट सैलरी है, लेवल 5 का जॉब है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा रनिंग अलाउंस मिलता है, जैसे ट्रेन लेट हुई इसमें पर किलोमीटर के हिसाब से 3 या 4 रुपये या 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से आपको रनिंग अलाउंस मिलता है, तो ओवरऑल सैलरी जो आपकी स्टेशन मास्टर या जो लेवल 6 की पोस्ट है उससे भी ज़्यादा आपकी यहाँ पर चली जाती है, ठीक है। आपके कोई होंगे तो पूछना भाई, अब कोई ना कोई आपके घर का होगा या आस पड़ोस में होगा तो आप उससे पूछ लेना, ठीक है। तो इसकी जो सैलरी है वो स्टेशन मास्टर को भी क्रॉस कर जाती है, क्योंकि उसकी सैलरी फिक्स है। इसमें क्या है कि इसमें रनिंग अलाउंस के हिसाब से, ट्रेन लेट हुई ये हुई, एक किलोमीटर के हिसाब से आपको जो एक्स्ट्रा रनिंग अलाउंस है ये आपको मिलता है। अब सोचो 4 रुपये 5 रुपये किलोमीटर ट्रेनें कितनी चलती हैं यार, ठीक है, उस हिसाब से आप कर लो कितना ज़्यादा आपका सैलरी बन जाएगा। तो इसका सैलरी क्या है, ये इसीलिए क्या है, हाईएस्ट सैलरी पोस्ट है, ये रजिस्टर लेवल की हाईएस्ट सैलरी पोस्ट है, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए सुटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, ट्रेन के साथ ही आपको ट्रैवल करना होता है, ठीक है। स्टेशन मास्टर का तो मान लो एक बार ठीक है कि स्टेशन में बैठ गया, इसमें क्या है आपको ट्रेन के साथ ट्रैवल करना होगा, जहाँ ट्रेन जाएगा उसके साथ जाना होगा। अगर आप कर सकते हो तो करो, मेरा जो ओपिनियन है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और प्रमोटेड टू पैसेंजर या एक्सप्रेस गार्ड, फिर इसके बाद आपको पहले सबसे पहले मालगाड़ी में, फिर उसके बाद पैसेंजर या एक्सप्रेस गार्ड के रूप में आपको जो है इसमें प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं CCTS की, तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया ये पहली बार रेलवे इंट्रोड्यूस कर रहा है पोस्ट, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये जानो ये स्टेशन मास्टर से लेस प्रेशर इसमें रहने वाला है, ठीक है। स्टेशन मास्टर का भी प्रेशर नहीं रहेगा इसमें, इसमें उससे वर्कलोड की बात करोगे, वर्कलोड की अगर आप बात करोगे तो स्टेशन मास्टर से कम ही रहेगा, स्टेशन मास्टर से वर्कलोड जो है इसमें कम ही रहेगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे मेरे अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस क्या देनी चाहिए,
तो अगर आप लेवल सिक्स की जॉब करना चाहते हो तो सबसे पहले, अब देखो इसमें दोनों में से आपका चॉइस है, आप स्टेशन मास्टर पहले रखो या सीसीटीएस पहले रखो। मेरे हिसाब से अगर मुझे बताना है तो मैं सीसीटीएस पहले रखूँगा, देन सेकेंड पे आप स्टेशन मास्टर रख सकते हो और तीसरे पे गुड्स ट्रेन मैनेजर रख सकते हो। ये गर्ल्स के लिए नहीं, अगर गर्ल्स हैं आप, पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो पहले इन दोनों को रखिए और देन इसके बाद इसको रखिए सबसे लास्ट में। गर्ल्स के लिए क्या है, गर्ल्स के लिए ये लास्ट है, गर्ल्स के लिए है तो इसको सबसे लास्ट में रखिए आप, ठीक है। गर्ल्स के लिए अगर आप रखना चाहते हैं सबसे लास्ट में रखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर। ये बॉयज़ के लिए है, ये बॉयज़ के लिए है, और गर्ल्स हैं तो सेम वही रहेगा लेकिन गुड्स ट्रेन मैनेजर आप सबसे लास्ट में रखिएगा। तो पहला सीसीटीएस, दूसरा स्टेशन मास्टर, ठीक है। अगर आप इस वर्किंग कंडीशन में लोड में काम कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, डिसाइड करना आपका काम। तीसरे नंबर पर गुड्स ट्रेन मैनेजर, चौथे नंबर पर जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क। अगर गर्ल्स चाहें वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो वो इन दोनों पोस्ट को भी आप क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। तीसरा चीज़ आता है पैसा। अगर आपको पहले पैसा ही चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए, सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप इसको पहले नंबर पर रख सकते हो, ठीक है। अगर आप पैसा देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो गुड्स ट्रेन मैनेजर में है, रनिंग अलाउंस के चलते। बेसिक पे तो लेवल पे तो 5 का ही है, लेकिन अगर आप देखोगे रनिंग अलाउंस के चलते इसमें सैलरी जो है सब ज़्यादा बन जाती है। तो गर्ल्स बॉयज़ क्या हैं, जो लड़के हैं वो इस पोस्ट को पहले नंबर पर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल चीज़ें बताई, अब डिसाइड आपको करना है, ठीक है भाई। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम इसको रख दो इसको रख दो, करो आप की, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी अलग हो सकती है, मेरी मेंटेलिटी अलग हो सकती है, इसीलिए मैंने आपको इसके जो प्रो और कॉन्स है ये आपको बता दी, ठीक है, क्या क्या है। तो ये इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपना जो है अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो भाई, आप इसको रख सकते हो, ठीक है। वैसे ही रेलवे से रिलेटेड जो अपडेट है मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।